This video is not intended for kids. This video is intended for general audience of 13 plus. And so hello guys, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम अनबॉक्सिंग लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बेब्लेड की। ये है लेजेंड मिडनाइट बुल आपके सामने। बहुत ही ज्यादा तगड़ा बेब्लेड है, बेब्लेड मेटल फ्यूजन का बेब्लेड है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा पुराना भी और काफ़ी ज़्यादा रेयर भी। तो अगर कोई इसे लेना चाहता है भाई कांटेक्ट कर सकता है मुझे, वहाँ से आप डायरेक्टली इससे परचेज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो चलिए गाइस आज हम करते हैं इसे अनबॉक्स। मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और हर एक चीज़ जो कोई भी इसके रिलेटेड है गाइस, काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है। तो मेक श्योर आप लाइक काउंट को हाई रखिएगा। तो चलिए गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग को शुरू। तो ये आ चुका है वापस गाइस, मैंने इसकी रैपिंग को पैकिंग को खोल दिया है। तो चलिए इसे फटाफट करते हैं अनबॉक्स। वेल पीछे से खोलते हैं इसे गाइस। ओके निकाला जाए हर पार्ट को बाहर, कैसे आएगा ये। वेल मैं भी ऐसा बेब्लेड पहली बार ही अनबॉक्स कर रहा हूँ गाइस। तो ये खाली हो चुका है, ये आई थिंक इसका कुछ स्टिकर होगा यहाँ पे, खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। आ गया गाइस, कार्ड है ये एक तरह का, जो कि आप गेम में यूज़ कर सकते हो किसी बैटल ऑनलाइन। बहुत तगड़ा कार्ड है भाई, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी गाइस। तो रखते हैं इस पैकेज को साइड में, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें इसके अंदर गाइस। सबसे पहले इसे देख लिया जाए। ओके भाई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस, मतलब ऐसे ग्लोसी पेपर यूज़ किया हुआ है, ऐसे कोई रफ पेपर नहीं है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है पेपर भी। देखते हैं खोल के। ओके तो ये इसके पार्ट्स हैं आई थिंक। अच्छा ये स्टिकर्स के बारे में बताया हुआ है, स्टिकर कैसे लगाने भाई। हैसब्रो भी स्टिकर देता था तब, ये नहीं मुझे पता था, बट चलो हाँ भाई दिए हुए हैं। ये देखो आपके सामने है गाइस स्टिकर, ये बुल के जैसे लग रहे हैं। हाँ बुल ही है वैसे, मिडनाइट बुल है इस बेब्लेड का नाम। तो चलो इसे साइड में रखते हैं, अपने बे पे आते हैं गाइस। ओके भाई टूल को कैसे निकाला जाए, टूल ही बहुत ज़्यादा तगड़ा स्टक है गाइस अंदर। ओह फाइनली आ गया बाहर गाइस। ओके ये इसकी टिप है गाइस, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छी टिप है। आई थिंक बैलेंस टाइप टिप ही होगी, बुल बैलेंस टाइप बेब्लेड है ना। ओके तो ये इसका स्पिन ट्रैक है गाइस, एंड ये आती है इसकी वेट डिस्क, क्या कहें क्या कह सकते हैं इसे, अटैक रिंग जो कुछ भी कह लो, मेटल का है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है ये है इसकी एनर्जी रिंग गाइस, ये है इसकी एनर्जी रिंग। ओके हमें डबल A1 मोल्ड मिला हुआ है, वो मैन ये तो इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है। ये देखिए डबल A1 मोल्ड, रियली अमेजिंग। और सबसे ऊपर आता है ये वेल फेस बोल्ट, जैसे कि आपको पता ही है। तो अब इसे मुझे देखना पड़ेगा खोलते कैसे हैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ गाइस। तो आ चुका है फेस बोल्ट भी हमारा बाहर गाइस, बहुत ज़्यादा टफ था इसे निकालना भाई, स्टिकर्स के साथ पूरा स्टक हो रखा था अंदर तक। तो चलिए अब इसे असेंबल करते हैं फटाफट, सबसे पहले टिप को लगा लिया जाए इसकी। ओके एंड आई थिंक छोटा सा आपको पता ही है टर्न कैसे देते हैं मेटल फाइट के बेस को। भाई ये सील ही नहीं हुआ के, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक इसी साइड को होना चाहिए। ओके तो ये लग चुका है गाइस, अब इसे वापस से क्या पहली बार ही लगा रहे हैं हम इसमें, एंड देन उसके ऊपर लगाएंगे इसकी एनर्जी रिंग, एंड फाइनली में आता है इसका फेस वोल्ट गाइस। भाई पता नहीं क्यों, मतलब प्लास्टिक तो इसका बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा है बीच में गड़बड़ कर रहा है। ओके स्पिन ट्रैक को टाइट नहीं किया था मैंने, अब आई थिंक अच्छे से हो जाएगा। हाँ हो चुका है गाइस। तो ये रहा आपके सामने गाइस लेजेंड मिडनाइट बुल मेटल फ्यूजन का प्रीमियम या कहें लेजेंड लेवल का बेब्लेड है गाइस। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके अभी मैंने स्टिकर्स तो नहीं लगाए पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे गाइस विदाउट स्टिकर्स ये। तो चलिए इसे थोड़ा टेस्ट स्पिन करके देख लिया जाए इसके न्यू लॉन्चर के साथ ही। ओके ये भी ओरिजिनल है गाइस, इसके यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांडिंग हैसब्रो 2010 TA टकाराटोमी भी लिखा हुआ भाई, सभी ब्रांडिंग के नाम नूम सब कुछ प्रॉपर है दिया हुआ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ओके लॉन्च करके देखते हैं 3-2-1 को शूट। ओ ये आ चुका है स्टेडियम में गाइस, नॉट बैड मैन भाई, इसका स्पिन भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा छोटा तो ऑब्वियसली मेटल के हर बे छोटे ही होते हैं, बट जो भी है गाइस काफ़ी अच्छा है आपके सामने है।
और बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। अब इसका मैच भी एक करवा लिया जाए, हमारे पास बर्न फायर ब्लेज है उसके साथ ही इसका मैच करवाते हैं गाइस। ये रहा बर्न फायर ब्लेज, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। सबसे पहले बर्न फायर ब्लेज को भेज दिया जाए स्टेडियम में। ओके, न्यू लॉन्चर के साथ लॉन्च करने में मज़ा आ रहा है गाइस, एकदम फ्रेश फ्रेश। ओके हियर वी गो भाई मुझे लगा बाहर ही चला जाएगा बट नहीं किया गाइस। लेजेंड मिडनाइट बुल, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है बर्न फिनिक्स के अगेंस्ट। और भाई हरा दिया बर्न फिनिक्स को, बहुत ज़्यादा तगड़ी बैटल। मैन डैम मैन, इतना बुरा भी नहीं है बे, मुझे लगा था हार जाएगा बट नहीं गाइस, इसने तो हरा दिया बर्न फायर ब्लेज को। एक बर्स्ट बेब्लेड के साथ भी कर ली जाए इसकी बैटल गाइस, क्या लगता है इसके साथ करके देखते हैं। ये फ्लेयर ड्रैगन है, आपको पता ही है इसके बारे में, इसके साथ इसकी बैटल करके देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लेयर ड्रैगन को भेज देते हैं, फ्लेयर वन गो शूट। उसके बाद आएगा हमारा लेजेंड मिडनाइट बुल। ओ भाई, अरे यार ये तो हार गया इससे, ये कैसे हार गया यार। फ्लेयर ड्रैगन इतनी मतलब सबसे हार ही जाता था। दोबारा से लॉन्च कर देते हैं फ्लेयर ड्रैगन को एक बार, उसके बाद आएगा हाँ अब देखते हैं गाइस। आई थिंक लास्ट टाइम ओ पो स्टेडियम आउट कर दिया गाइस इसे। डैम हाँ हल्का तो ज़रूर है, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा वेट इसका कम है बट काफ़ी अच्छा भी है गाइस, मतलब इतना बुरा भी नहीं है बट स्टिल हार गया फ्लेयर ड्रैगन से, तो इतना ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते हम। फ्लेयर ड्रैगन भाई पूरा बदला ले रहा अपना। एक और थर्ड राउंड कर लेते हैं इसके साथ ही इसका। ओके हियर वी गो, ओ कर दिया है किक आउट भाई, जैसे ही लॉन्च किया वैसे ही फ्लेयर ड्रैगन को बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर निकल गया। डैम मैन, डैमेजिंग बे है पूरा, मतलब इतना बुरा नहीं है। हाँ अब ठीक है गाइस, फोकस थोड़ा सा लो हो गया था। तो ये मिलता है सब कुछ हमें इस सेट के अंदर, आपने थोड़ा बैटल भी देख लिया इसका, स्टिकर शीट भी है इसकी। ये तो भाई प्लास्टिक प्लास्टिक इसका डिस्प्ले के लिए लगाए होते हैं आपको पता ही है, यूज़र मैनुअल। और फाइनली ये ब्यूटीफुल सा बेब्लेड, छोटा सा है बट काफ़ी ज़्यादा प्यारा है गाइस और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वेल नेम है इसका लेजेंड मिडनाइट बुल, यहाँ पे हम लगाएंगे बुल का स्टिकर जो मेरे पास होगा ही ऑब्वियसली एक आधा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लेजेंड मिडनाइट बुल कैसा लगा ये बेब्लेड गाइस। अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल हेयर फ्री स्टाइल ब्लेड ओवर एंड आउट।